भोपाल के रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय विश्व रंग 2023 का रविवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही कई वैचारिक सत्र आयोजित किए गए। विश्व रंग के अंतिम दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी यहां पर हुई और इसके पहले विश्व रंग के दूसरे और तीसरे दिन हिंदी भाषा में कई ख्याति प्राप्त वक्ताओं ने हिंदी के महत्व को समझाया। इसके साथ ही आज के दौर में संभावित प्लेटफॉर्म को लेकर भी सत्र के दौरान चर्चा हुई है। बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे ने कहा कि हिंदी के सामने इस समय वैश्विक भाषा बनने की संभावना है, मगर जो सम्मान हम हिंदी के लिए चाहते हैं वही सम्मान सभी भारतीय भाषाओं को देना होगा। वहीं विश्व रंग की सह निदेशक अदिति चतुर्वेदी वत्स का कहना है कि इस बार हिंदी भाषा को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स शामिल रहे। साथ ही स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा शामिल हुए। सबसे पहली बात तो विश्व रंग जो करता है वो हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में लाता है, हिंदी के प्रति एक स्वाभिमान जगाता है युवाओं में और अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में भी चेतना पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि इसमें अब विदेशों से बहुत से लोगों ने आना शुरू किया है कि विश्व भर में हिंदी का की संभावना बढ़ी है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम भी करेगी विदेशों में, तो उसके लिए भी काफ़ी मटेरियल तैयार किया जा रहा है। ये युवाओं पर फोकस लेकिन भारतीयता पर केंद्रित ऐसा फेस्टिवल है जो पूरी भारतीय भाषाओं को साथ में लेके चलता है। हमने हिंदी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यहाँ पे स्थापित किया है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में और हमारा मानना ये है कि ये एक ऐसा हब रहेगा जिसके थ्रू 100 से अधिक और हम ऐसे केंद्र पूरी दुनिया भर में इस्टेब्लिश करेंगे। आप जानते हैं 50 से ज़्यादा देश के लोग आज हमारे साथ यहाँ पे प्रतिभागी हैं। हमने इसे थीमेटिकली 4 दिन में बांटा, पहले दिन लोक संस्कृति उत्सव, दूसरे दिन भाषा उत्सव, तीसरे दिन साहित्य उत्सव और चौथे दिन रंग उत्सव के रूप में ये सेलिब्रेट किया। तो विश्व रंग अपने सभी रंगों जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत शामिल हैं उसके साथ 2023 में वापस लौटा।